अब रेवाड़ी से खबर, जहां सहकारिता मंत्री जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की शिकायतों को सुनेंगे डॉक्टर बनवारी लाल। बावल विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार लगाया जाएगा, आमजन की शिकायतों का इस दौरान निस्तारण होगा और जिले के सभी अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे ताकि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। बावल विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार लगाया जाएगा, दूर दूर से फरियाद यहां पहुंचेंगे और आमजन की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहने वाले हैं और इस बैठक के जरिए सभी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। जनता की समस्याएं दूर हों, इसलिए सहकारिता मंत्री आज जनता दरबार लगाने वाले हैं। रेवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोगों की शिकायतों को डॉक्टर बनवारी लाल आज सुनेंगे और मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे ताकि इन समस्याओं से लोगों को निजात मिल सके। और ये मैसेज देने की कोशिश कि सरकार आम जन के लिए है और इसीलिए उनकी हर समस्या का निपटारा करना सरकार की प्राथमिकता में है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मा मिलने के बाद बीजेपी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बनवारी लाल का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर बनवारी लाल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा, वहीं सीवर और पेयजल की समस्याओं को प्रमुखता से दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए अब स्पीड बढ़ाई जाने की जरूरत है, ऐसे में बावल विधानसभा में सबसे पहले काम होगा। तो अभी तो हमारी जो कनाल वगैरह इनके लिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, रिमोडलाइजेशन हो रही है, जो नहरें टूटी हुई हैं ठीक किया जा रहा है। अब हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की काफ़ी अप्रू नहरें हुई हैं, उनको हम ठीक करेंगे तो उससे पानी की बर्बादी वो बचेगी। एक तो दूसरा ये कि हम इरीगेशन डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि भी जो हमारा दक्षिणी हरियाणा का हिस्से का जो पानी उसको हटाया जाए ताकि हमारे को इस तरह की आगे दिक्कत ना आए। जब मेरे पास पिछली बार था तब से भी हमने शुरू किया था प्रयास, लेकिन जमीन का वो सिरे नहीं चढ़ा। अब दोबारा से प्रयास करके जमीन रिक्वेस्ट करेंगे, स्थानीय विधायक से भी बात करेंगे, वो भी इसमें जमीन दिलवाने में मदद करेंगे। हफ्ते में 15 दिन में या कम से कम 15 दिन में